नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रिंगटोन कैसे बनाई। जैसे कि आपको कोई भी सॉन्ग पसंद हो और उसके बीच में कोई बोल आ जाते हैं और वो आपको अच्छे लगते हैं और आप उसकी रिंगटोन बनाना चाहते हैं, तो आप वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हम आने वाली वीडियोज़ को आपके सामने शेयर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिंगटोन कैसे बनाई। सबसे पहले क्या करना, आपको प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सिर्फ क्या करना कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे सिर्फ MP3 कटर, MP3 कटर लिखने के बाद आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। MP3 कटर ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, देखिए 10 मिलियन डाउनलोड है इसकी। आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए क्योंकि सबसे अच्छा ऐप यही है। यहाँ से ओपन कीजिए, अगर आपने इंस्टॉल है तो इंस्टॉल कर लीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा और आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऐसे अपने सॉन्ग्स की लिस्ट आ जाएगी। आप जो भी सॉन्ग चाहते हो उसी का रिंगटोन बना लीजिए। जैसे कि हम आपको यहाँ आप सर्च, ये सर्च का बटन आप सर्च कर सकते हो। जैसे हम ये चुटकुले ही चुटकुले ये लेते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ प्ले के बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मौका दिया जाएगा तो जितने भी हमारे श्रोतागण जैसे हैं, यहाँ हिबुस आने ने के लिए सोची अरुण कर रबड़ गाली ऊपर, हमारा शोरूम है माल तो हम गोडाउन से दे। तो ये तो पहली रागणी दो आपके बीच में मिनट होगी, 3 सेकंड तो एक शोरूम टाइप है सिर्फ, और माल तो गोडाउन से। उसके बाद हम जैसे आगे क्लिक करते रहते हैं जहाँ तक हमें चाहिए। मान लो कि यहाँ 2-3 से 2-30 सेकंड तक हमारे बीच रिंगटोन आ चुकी है। प्ले कट, प्ले कट का मतलब है कि हमें जो भी रिंगटोन बनाई है हम उसे सुनना चाहते हैं। एक बार सुन के देख लीजिए कि क्या ये सही है या नहीं। रीसेट कट, रीसेट मतलब कि ये रीसेट हो जाएगा, हम दोबारा से कट कर सकते हैं। स्टार्ट कट, स्टार्ट कट के बटन पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आ गया चुटकुले चुटकुले, अपना जो भी नाम देना चाहते हो दे दीजिए, आर्टिस्ट नेम भरना हो जो भी वो भर दीजिए, जैसे अमित, एल्बम का नाम जो भी भरना हो, जैसे 2011 कुछ भी नाम कुछ ही भर लीजिए और सेव बटन क्लिक कर दीजिए। ये आपकी MP3 रिंगटोन कट हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए और वहाँ पर जो भी फोल्डर में आपकी रिंगटोन सेव हुई है वहाँ जाकर आप अपने रिंगटोन को सुन सकते हो। इस तरह आप अपने रिंगटोन को अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो जो भी रिंगटोन आपने बनाई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।